नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण का जिन्न एक बार फिर से जाग उठा है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत योजना के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक राशि में होने वाले सीवरेज और पानी की लाइन बिछाने के काम में दर्जनों खामियों लापरवाही के बावजूद सरकार कार्य में लापरवाही नहीं मानती। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हनुमान बेनीवाल का जब ये सवाल विधानसभा में गूंजा तो पिछले सरकार के होश उड़ गए। बेनीवाल की ओर से सीवरेज और जलापूर्ति लाइन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा गया कि नागौर शहर में भारत सरकार द्वारा घोषित अमृत योजना अंतर्गत पेयजल आपूर्ति का कार्य और सीवरेज कार्य चल रहे हैं, जब स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा 46 करोड़ के कार्य कराए जा रहे हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल इस सभी बातों को लेकर सहमत नहीं हुए। उन्होंने विकास कार्यों पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि विकास हुए हैं तो काम क्यों नहीं दिखता, क्यों विकास केवल फाइलों में ही दबकर रह गया है। इसके अलावा 71 करोड़ रुपए के एक और प्रोजेक्ट पर भी बेनीवाल ने सवाल उठाए। आपके व्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए एक मौका जिससे आप हमसे और करीब से जुड़ पाएंगे। हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे और आपको हमें आपके विचार, जो भी आप सोचते हैं, मोबाइल से वीडियो बनाकर रिकॉर्ड करके भेजना है स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। हम आपके व्यूज को हमारे चैनल पर चलाएंगे, तो फिर देर किस बात की। और आज का सवाल है, आप नेक्स्ट पीएम किसे देखना चाहते हैं, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी, और क्यों? तो जल्दी से अपने व्यूज रिकॉर्ड करके भेजिए